हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज सीखते हैं इकाई का घनमूल कैसे निकाला जाता है, यानी कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए जानते हैं, सीखते हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल निकालना। लेट क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल टू एक्स, इकाई का घनमूल, घनमूल मतलब पावर 1/3, तो इसे इकाई घनमूल कहते हैं। इसे मैंने एक्स मान लिया, क्यूबिंग बोथ दी साइड्स दोनों ओर घन करने पर, चलिए ये क्यूबिंग कर रहे हैं, इधर आपका हो गया एक्स क्यूब, ये 3 खत्म, खाली क्या बचा, 1 बचा है ऊपर, ये आपका हो गया एक्स का क्यूब, 1 को उधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1=0 हो गया। अब 1 पर भी कुछ पावर, मैंने 3 पावर दे सकते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला मार गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, फैक्टर में क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। किस फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में से बैठा रहे हैं। एक्स माइनस 1, नाउ एक्स माइनस 1=0 लिया, एक्स माइनस 1=0, देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1, पहला वैल्यू मेरा 1 निकल गया। आइए अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 का स्क्वायर 1। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, द्विघातीय समीकरण से निकालते हैं, ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया, बी का वैल्यू भी 1 है और सी का वैल्यू 1 है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बी आपका हो गया 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं माइनस 1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, आई स्क्वायर आई मीन्स आयोटा, और आयोटा अगर स्क्वायर किया जाए तो वैल्यू कितना होता है, माइनस 1 होता है। ये मेरा डी का वैल्यू निकला 3i स्क्वायर। नाउ द्विघातीय फॉर्मूला से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो इससे हम वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू कितना मिल रहा है, b का वैल्यू 1 है, तो b में क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस, d कितना है 3i का स्क्वायर 2 इंटू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 3 का रूट नहीं निकलेगा, रूट 3, आई स्क्वायर कितना हो गया, आई हो गया 2, तो ये प्लस माइनस 2 का निकला, तो इसी में से रूट 3 आई ये वैल्यू निकला, दूसरा वैल्यू आपका हो गया ये, तो इसी में से पहला का नाम ओमेगा देते हैं और दूसरा का नाम ओमेगा स्क्वायर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक वैल्यू निकला एक्स, दूसरा वैल्यू निकल रहा है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i बाई 2 एंड तीसरा वैल्यू है माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। इसमें से एक को हम ओमेगा मानते हैं, दूसरा को ओमेगा स्क्वायर ऐसा नाम रखा गया है, ताकि हमने जाना कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल क्या निकला, 1 निकला, माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2, ये आपका इकाई का घनमूल हो गया। अब चलिए ये आपका हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू, से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल के कुछ गुण जानते हैं। अगर
वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किया जाए तो क्या वैल्यू आता है, देखिए माने इकाई के घनमूलों को अगर जोड़ा जाए तो मान क्या निकलता है। इकाई का घनमूल पहला वन था, दूसरा कितना है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, उसके बाद प्लस माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम टू हो गया, दो को एक से ये दो हो गया, ये माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, ये माइनस वन ये माइनस रूट थ्री आई। तो देखिए ये माइनस ये प्लस दो में चला गया एक, तो प्लस एक और माइनस एक भी कट गया, पूरा अपने खत्म हो गया, तो जीरो बाय टू मतलब जीरो हो गया। यानी कि इकाई घनमूलों को जोड़ा जाए तो उसका मान जीरो होता है। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या निकल गया जीरो। यदि इकाई के घनमूलों को जोड़ा जाए तो उसका मान क्या आता है जीरो आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब इसी से विभिन्न फॉर्मूला निकलता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ माइनस वन हो गया, उधर ले गए या वन प्लस ओमेगा करेगा क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू ओमेगा का वैल्यू बढ़ा के अप्रूव कर सकते हैं, या वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपका ओमेगा क्यूब का वैल्यू आता है आपका वन, ये ध्यान रखना। ओमेगा क्यूब जहां आएगा उसका वैल्यू वन आएगा। अगर इकाई के घनमूल में से किसी एक का क्यूब किया जाए तो उसका मान क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इकाई घनमूल निकलता है, इसे आप ध्यान से किए और याद रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।